If I was to speak for uh, especially for brother Man and his team uh, property site, property, property site is doing amazing work and I would say uh, him and his team, they have guided me uh, to invest my money into the right areas. otherwise I wasn't to show sure where my where my investments was going. असलम लवली फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी अनदर ब्यूटीफुल वीडियो प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अब्दुलरमान थैंक यू सो so मच आज सब लोगों का जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली जो लोग आउट ऑफ सिटी से जिन लोगों ने न्यू मार्सिटी गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं Uh, मैंने लास्ट uh, एक दो वीडियोस के अंदर जिक्र भी किया था कि मैं इंशाल्लाह शाला कोशिश करूंगा कि जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स के इश्यूज आ रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज हैं ट्रांजैक्शन इश्यूज आ रहे हैं वो हम इंशाल्लाह तल आपके लिए ऐसी सर्विसेज लेके आएंगे कि आपके जितने भी इश्यूज होंगे वो हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी साइड के बारे में भी बताता चलूँ कि हमने न्यू uh, मार्टी गुजर खान के साथ डे फर्स्ट से काम स्टार्ट किया प्लाटीम सेल्स पार्टनर है न्यू मार्टी गुजर खान के और दो साल से हम न्यू मार्ची गुजर खान के साथ ही काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि ऑन ग्राउंड प्लाट्स जितने भी हैं न्यू मार्ची गुजर खान के अंदर उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए मैं लास्ट ईयर यूट्यूब चैनल बनाया था तो तब भी मैंने ये गैप महसूस किया था कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनकी बेहंगम इन्वेस्टमेंट हुई हुई या इन्वेस्टमेंट के आपस में कोई लिंक नहीं है क्योंकि हमारा जो सेक्टर है जो हमारा जिस फ्रेमवर्क में हम काम करते हैं उसमें हमारा यही टारगेट था के प्रॉपर्टी साइट हमने नाम यही रखा था सोच समझ के रखा था कि हमेशा जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप प्रॉपर देख समझ के इन्वेस्टमेंट करें ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स होते हैं इनका ये चूँकि ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं होते हैं तो इनका जो पीछे रिप्रेजेंटेटिव होता है ये उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हमने कोशिश की कि हम जैसे आपके रिप्रेजेंटेटिव हों वैसे हम आपके लिए जहाँ पे सर्विसेज लेके हैं ताकि आप लोग ट्रस्ट कर सकें और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर हो कि हम जो आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएं उसको शोर करें कि वो आपकी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई कदीर मुगल साहब मौजूद हैं जिनकी हम यहाँ पे आर्ट मरला का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने अपनी रैश भी मूव करनी है और इन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में हमने इनशाला यहाँ पर अपनी फैमिली भी मूव करनी है तो इनसे भी इनकी भी राय लेते हैं और यहाँ पे ये इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर कैसा देखते हैं ये भी आपके साथ शेयर करते हैं तो स्पेशली जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ये वीडियो आपने तक देखनी है इन शाह तल आप कुछ जब ये वीडियो कंक्लूड होगी तो आप कुछ चीज़ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके जाएंगे अच्छा जी कदीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं इनसे पूछते हैं कि न्यू मार्ची गुजर खान का अब तक का इनका सफ़र कैसा रहा और इन्होंने स्टार्ट कैसे किया कदीर भाई अलगमान भाई कदीर भाई थैंक यू सो मच आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया हम काफ़ी दिनों से इनकी कोशिश कर रहे थे कि इनका टाइम हम ले सकें लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं तो हमने आज लकी ली इनका टाइम लिया और आज भी काफ़ी लेट हो गए तो हमने सोचा कि आज भी हम ऑफिस के अंदर वीडियो बनाए नहीं तो हम इनकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी बन रही है वहाँ पर हमारा प्लान था कि वीडियो बनाते तो सबसे पहले कदीर भाई आप मुझे ये बताएँ कि जब आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की तो उस टाइम आप ओवरसीज़ थे तो न्यू मर्सडी गुजर खान की एक हाइप ऐसी बनी कि ये ओवर हाइप प्रोजेक्ट बन गया और आपने इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग में रुमान भाई जो मैंने सबसे पहले जो चीज़ मैंने यहाँ परचेस की थी वो थी आ, दस मरला का जो प्लॉट था वो मुझे आखिर में जाके बी ब्लॉक में मिला है और उसके अलावा जो मेरी सेकंड इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे वो थी पाँच मरला का कमर्शियल वो मुझे फाइनली जाके फाइनलाइज हुआ था वो था ए साउथ में तो उसके अलावा मेरे पास जो सात मरला विला भी था तो ये तीन इन्वेस्टमेंट थी तो यह ज़ाहिर सी बात है ये मैं जब ओवरसीज़ था ये मैं यहाँ पे भी यहाँ से मैं उसकी पेमेंट्स भेज रहा था वहाँ से तो ये सारी पेमेंट्स यहाँ से क्लियर हो रही थी तो वही बात है कि भाई जब जिस डीलर के साथ मैं पहले टच था वो क्या कर रहे थे कि भी मेरे लिए जो जो चीज़ मैंने कह रहा था वो मुझे कर रहे थे वो मुझे मुझे किसी किस्म की गाइडेंस नहीं थी मिल रही मेरा मेरा जहन ऐसा था कि मैं कोई चीज़ गलत तो नहीं खरीद रहा आने वाले वक्त में मुझे ये चीज़ फ़ायदा देगी क्या बी ब्लॉक की क्या पोजीशन है ए साउथ की क्या पोजीशन है अर्ली बर्ड में सेवन मला की क्या पोजीशन है पर मेरे जहन में इतना था कि भाई बी ब्लॉक भी ऑन 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 साइट होगा अभी वहाँ पर भी काम होगा ए साउथ में होगा तो अर्ली बर्ड का तो मुझे पता है यहाँ पर ग्लो प्ला पार्क बना हुआ और है और चीज़ें बनी हुई हैं वो वो तो मुझे मसला नहीं था तो अब ज़ाहर सी बात है जब मैं पाकिस्तान आई हूँ जब मैंने यहाँ पे आई हूँ तो मैंने कुछ और डीलर से भी मिला हूँ तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर आपसे भी मेरी मुलाकात हुई है तो जब मेरी आपसे मुलाकात हुई है तो आपने मुझे ये गाइड किया है कि भाई जितनी जितनी आपकी पेमेंट्स हो चुकी हैं वो ठीक है अब अब मज़दीद आप पेमेंट्स ना करें तो ये आपकी गाइडेंस ही मुझे आपको आपसे मिली है तो आपने मेरे लिए एक फरिश्ता बन के आए हैं मेरे लिए क्योंकि मैं ओवरसीज़ हूँ हम ओवरसीज़ इतना डेप्थ में नीच नह, नहीं समझते ये जो आजकल जो जो प्रॉपर्टी की सिचुएशन है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आपने मुझे जो मेरा पाँच मरला था ए साउथ के अंदर वो आपने मुझे शिफ्ट करा दिया उसको एठ मैं मर्जिंग में कन्वर्ट करके अर्ली बर्ड में और उसके अलावा जो मेरा था आ, दस मरला था वो मैंने ख़त्म करके बी ब्लॉक में आपने मुझे जस्ट करा दिया अर्ली बर्ड में तो जो मेरा जो कमर्शियल प्रो जो काम चल रहा है आठ मरला का वो आपने मुझे गाइड किया था कि भाई आप पैक आपके लिए बेस्ट लोकेशन आपसे इसके ऊपर जल्द से जल्द काम करें और जो दूसरी बात है घर वाली वो भी मेरा प्लान है कि भाई इनशाला उसको भी इसके ऊपर भी जल्द काम शुरू करना है इनशाला तो कदीर भाई की जब मेरे साथ बात हुई तो कदीर भाई की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ये वापस मूव करेंगे तो इनका जो प्लान था कि मेरा एक एसेट क्रिएट हो जाए जहाँ से मुझे इनकम uh, जनरेट uh, होती रहे और साथ ही मुझे एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाए हम अपने रेलिटिवस के भी करीब रहें और जहाँ पर एक खूबसूरत लाइफ भी इंजॉय करें तो न्यू मार्फटी गुजर खान इनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन थी क्योंकि ये यहाँ से मुतसिल एक इलाका है यहाँ वहाँ वहाँ के रैशी थे इन्होंने वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत घर भी बनाया था ऑलरेडी लेकिन वो उन्होंने सेल किया और हमने ये प्लान आउट किया कि एक आठ मरल का कमर्शल प्रोजेक्ट बनाएंगे जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले कर इन शाह तला यहाँ से हमें रेंटल इनकम अच्छी आ जाएगी और एक ख़ूबसूरत यहाँ पर घर बनेगा जहाँ पर इनका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा तो इसी तरह अब कदीर भाई एक दो दिन पहले भी हमारे पास आए हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा वर्शीज़ की कॉल्स भी है तो मैंने इनसे उनको इंट्रोड्यूस भी किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी इनकी वीडियो मेरे पास नहीं थी तो मैं उनको शेयर नहीं कर सका तो इसके बाद अब आगे कदीर भाई से पूछते हैं कि जो लोग हमारे देख रहे हैं यूट्यूब में अवर क्लाइंट्स हैं आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि उनको ए साउथ में बी ब्लॉक में बी सेंट्रल ब्लॉक में डिस्काउंट लेके के मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या उनको वहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए अर्ली बर्ड का ऑप्शन जो है उनके लिए कैसा है ये आप उनको क्लाइंट जितने भी हमें देख रहे हैं आप उनके साथ शेयर करें जी रमान भाई जो जो सबसे पहली बात है कि भी मैं जो यहाँ पे स्पेशली आई हूँ मैंने यहाँ पे जो अभी देखा है जितना आगे पीछे काम हो रहा है स्पेशली कमर्शियल में ठाक काम हो रहा है उसके अलावा रेजिडेंशियल में भी काम हो रहा है लोग अपने घर बना रहे हैं जिसमें पाँच मरला भी हैं सात मरला भी हैं दस मरला भी हैं एक नाल के भी अब घर बनने शुरू हो गए हैं तो अभी जो स्पेशली दस मरला वाली डील आई हुई है इसमें तो मैं ही मैं यही लोगों को रिकमेंड करूंगा कि भाई जिन, जिन 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 लोगों के भी ऑलरेडी जो जो फाइलों में पैसे पे कर रहे हैं जैसे कि ए साउथ में बी ब्लॉक में अभी जो स्पेशली बी बी ब्लॉक वाले बंदे हैं या जिनके पास ऑलरेडी ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं है मैं उनको यही कर उनको बोलूँगा कि आप मज़ीद अपनी पेमेंट्स ना जमा कराएँ आप ऐसे कर लें कि भी वहाँ से आप आपको बेस्ट लोकेशन अभी मिल रही है अर्ली बर्ड के अंदर आपकी जो जो आजकल जो प्रॉपर्टी के हालात हैं आपके तकरीबन सेवेंटी परसेंट लॉस आ रहा है तो वही बात है कि अगर आप उसकी फुल पेमेंट कर देंगे समझ लें कि आपने पचास लाख जमा करा दिया पर उसकी वैल्यू तकरीबन तकरीबन पच्चीस लाख बीस लाख होगी वही वही क्यों ना जितने आपने अगर पचास लाख वहाँ पर जमा कराया हुआ है यहाँ पर कुछ उसके अंदर ऐड करके तो यहाँ पर अपना अपना प्लॉट ले लें स्पेशली दस मरला में ले लें या किसी और अपनी कमर्शियल भी, भी फाइल में या कमर्शियल प्लॉट में कन्वर्ट करना है तो वो भी हो सकता है तो यही मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि यहाँ पे ऑन ग्राउंड मैंने आके देखा है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ऑन ग्राउंड आप नहीं आते तो आपको बाहर से ना रूमर्स मिलते हैं आपको लोग बताया जाता है यहाँ पे बहुत लॉस है यहाँ पे लोग भी नुकसान आया सोसाइटी तो भाग जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा मैंने जब योप यहाँ पर देखा है जितने लोग भी करोड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये तो भी इंसानों वाली बात तो नहीं है ना सोचे भी यहां बंदा सोचे कि भाई यहाँ से कोई बंदा भाग जाएगा यहाँ ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है मेरे साथ और भी ओवरसीज़ वाले बंदे हैं जाने वाले जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो स्पेशली इंग्लैंड के हैं उसके बाद हॉलैंड के हैं जर्मनी के हैं तो इसके अलावा स्पेन की भी फैमिलीज हैं यहाँ पे अपने अपने घर बना रहे हैं सारे तो उसके अलावा अगर किसी बंदे को जैसे अरमान भाई ने बोला है कि भाई किसी बंदे ने अगर मजीद मेरे से कॉन्टेक्ट करना है मेरे से बात करनी है अगर जिस बंदों को जिस लोगों को भी स्पेशली लैंग्वेज बैरियर्स का मसला है इंग्लिश इंग्लिश में बात करनी क्योंकि इंग्लिश मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है क्योंकि मैंने वहाँ पे 24-25 साल गुजारे हैं बचपन मेरा वहीं पे गुजरा है मेरा तो रिसेंटली मैं पाकिस्तान आया हूँ ये स्पेशली जो मरे ओवरसीज़ हैं अगर उनको किसी किस्म का ट्रस्ट इश्यूज़ है वो मेरे से मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं मैं भी रमान भाई को बोलूँगा कि भाई मेरा नंबर इसमें ऐड कर दें स्पेशली दिस मैसेज इज फॉर एवरी वन हुज लिविंग इन दू के हु इन्वेस्ट इन न्यू सिटी गुजुरान स्पेशली इफ यू टू बाय एनी प्लॉट्स स्पेशली इन अर्ली बर्ड एंड यू वॉन्ट टू कन्वर्ट यूर फॉल्स फ्रॉम ब्लॉक बी ए साउथ ओर इफ यू डोंट हैव अट एंड जस्ट पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स अर्ली बर्ड इज़ अ बेस्ट ऑप्शन एंड आई वुड रिकमेंड यू टू मूव मूव है And move your move your uh, investment into early bird. That's where, that's where that's where the future is, and that's where all the all the um, cream is. If you if you want to want, want to put in the safe side because why is in the in in the, in the coming near future, you um, all everyone will be investing into early bird. And early bird is a place where you have the restaurants, glow Park, you have the mosque, and you have the all the commercials and all these bigger food brands gonna come here and there's you, you already got uh, one bank here already and you will have a few more banks coming in soon as well and all these um, uh, people people are gonna start living here and I'm personally gonna live here with my family as well I'm already building my 10 mullah house and I already got a villa here as well and obviously I would recommend everyone to come here and um, invest into New Metro City it's no it's not about you if you want to move your family here and it's it's a very good asset to have if you want to have a, as a, a commercial or a, as a plaza or as a house, this way that's what's going to generate to you a, a rental income, and over the time it will give will give you a capital gain with we, 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 the prices will rise and your your investment will be skewed. If I was to speak for, uh, especially for Brother Man and his team, uh, property site, property, property site is doing amazing work, and I would say uh, him and his team, they have guided me. Uh, to invest my money into the right areas, otherwise, I wasn't to show sure where my where my investments was going. They can see what what is actually happening in the near future and what's the best best uh, best investments coming. And I would recommend you to basically get in touch with Abdul uh, Rahman, or if you want to speak in English, you can come and speak to me. My number will be mentioned. I already spoke to, uh, with brother Rahman to basically add my number there as well. If, if someone wants to speak in English. So, uh, brother Mirman, he is he's, uh, not only a uh, he selling plots, but he has a very very good uh, a strategy to uh, explain people how to invest your money into New Metro City. He knows which which areas to invest, i.e., which plots are basically uh, cutting land, which plots plots are filling land. So he knows where you're gonna save your money if you were to build your uh, either commercials or residential properties, so um, especially uh, brother man, um uh, I, I would um, Recommend that basically if I can trust as an overseas to basically come here and see him. Um, he's doing amazing work He has a lot of customers already and there's obviously a little bit of language barrier and what mr mis Raman has done uh, over here for me personally. It's, it's, it's amazing work, and I would recommend, especially the overseas, to basically get in touch with him. And he's doing amazing work. You can trust him fully with your payments. They um, a guidance of how to move forward within new within uh, new metro city. Thank you so much, Kadir Bhai. For your words. Uh Kadir Bhai number we'll be mention recent two days Uh, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक सिस्टर की कॉल आई वो यहाँ पे अपना एक हाउस बिल्ड करना चाह रही हैं uh, उनका प्लान यह है कि उन्होंने प्लॉट बाय कर लिया हुआ है वो चाह रही हैं कि हम एक साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर uh, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दें और बाद में हम उसको रेंट आउट कर देंगे बहुत खूबसूरत लोकेशन के uh, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन का उनका प्लाट है फिर उसके बाद एक और सिस्टर का है उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस बी ब्लॉक में जमा नहीं करवाए हुए थे तो मैं उनसे यही कम्युनिकेशन कर रहा था कि आप डेवलपमेंट चार्जेस के बजाय आप अर्ली बर्ड में फॉरवर्ड करें आ, तो कदीर भाई ने उनको गाइड किया तो काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हुई आज भी एक भाई ने अगर सीधे कॉल की कि उन्होंने लास्ट ईयर एक यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज की जो तीन हज़ार के सीरीज के प्लॉट प्रौर्ट नंबर से और उनको अच्छा खासा हुआ ना वो महंगी चीज़ दी गई तो काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं वो हमें देखने को मिल रहे थे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर न्यू मार्फ गुजर खान के अंदर जिसने दो साल के अंदर रिकॉर्ड डिवेलपमेंट किया है आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अरब की लागत से ज़्यादा यहाँ पे ग्लो पार्क बनाया है हॉस्पिटल बन रहा है और उसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर अगर यहाँ पे एक बैंक की ओपनिंग हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि बैंक की जो है ना वो सर्वेस टीम्स होती हैं जो आके देखती हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल है कि नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जितने भी अवर से स्पेशली लोग हैं वो यहाँ पे आके अपने खूबसूरत महल बनाना चाहते हैं खूबसूरत ख्वाबों का घर बनाना चाहते हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली यहाँ पे अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो इस टाइम आपको पता नहीं है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो ऑन स्क्रीन नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं लास्ट में मैं एक और चीज़ कदीर भाई से पूछूंगा कि जब मानसून का सीज़न चल रहा था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आया तो इनके काफ़ी ज़्यादा जो जानने वाले थे जिन्होंने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई आ, वो कैसे रिमार्क्स पास कर रहे थे जी रुमान भाई आ, जब मानसून का सीज़न आया तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मुझे ना यहाँ से ना व्हाट्सएप की वीडियोज़ आई दोस्तों से आगे पीछे से कि देखें यार आपने इन्वेस्टमेंट की थी इसका आप आप इसका हालात देख लें आपका अभी भी यहाँ पे क्या क्या मसले बन गए बन चुके हैं असल में ये मैं बात बोलना चाहूँगा कि भी कितने लोग हैं वो सिर्फ वो सिर्फ जो वीडियोज़ में देखते हैं या किसी से बात सुनी सुनाई बात को भी आगे आगे एक ना फेक रूमर्स ला देते हैं यार यहाँ पे बहुत बुरे लाते हैं तो यहाँ पर आपको पैसे इन्वेस्ट करने नहीं चाहिए वाकई में मानता हूँ यहाँ पर पानिया हुआ था वल किसी मिस्टेक थी पर उन्होंने उसके ऊपर न्यू मेट्रो सिटी ने उसी वक्त ही काम करके एक दो घंटे में से क्लियर कर दिया था और उन्होंने ये भी इसको शोर किया भाई अंदा फ्यूचर में ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं होगा तो जैसे कि भी यहाँ पे भी लोग भी यहाँ पे कोई बंदा आया भी नहीं होता तो स्पेशली ओवरसीज़ वालों को जो हमारे भाई हैं बहनें हैं उनको ये बताया जाता है कि भी यहाँ के यहाँ पर पैसे ना इन्वेस्ट करें यहाँ पे ये ये फ्रॉड सोसाइटी है यहाँ पे मसला होगा ये होगा वो होगा वो लोग यहाँ पे आ ही आए ही नहीं है जब तक आप यहाँ पर आएँगे नहीं आप देखेंगे नहीं यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है क्या इतना कुछ काम हो रहा है लोग मैं मेरे हिसाब से अरबों अरबों में यहाँ पे लोग भी इन्वेस्टमेंट हुई है लोगों की तो यहाँ पे अरबों में इन्वेस्टमेंट हुई हो तो वहाँ पे कैसे आप बोल सकते हैं कि सोसाइटी भाग जाएगी या ये मसला हो जाएगा वो मसला हो जाएगा इनके पास सारे आर्ट सारे पेपर वर्क सारी चीज़ क्लियर है तो आपको इनके ऊपर फुल ट्रस्ट करना चाहिए और स्पेशली बात है ये कि हमारे जो, जो इर्द गिर्द के जो हमारे ओवरसीज़ हैं जो गुझहान के हैं देखें जैसे कि मैंने सोचा था कि पहले कि मैं अपना घर डी एच ए में बनाऊँ बेड टाउन में बनाऊँ अगर हम इर्द गिर्द के गाँव वाले जो लोग हैं उस उनके लिए जो ओवर सीजन स्पेशली उनके लिए हमें अपने एरिया में गुजान शहर के अंदर एक सोसाइटी मिल रही है जो आने वाले वक्त में बैरिया टोन डी एच ए को टक्कर देगी तो हम उसे क्यों ना सपोर्ट करें क्योंकि अब एक तो ये हमारे घर के पास होगी हमारे गांव के पास होगी और एक हम चीज़ हम किसी को फखर से बता सकते हैं यार न्यू मेट्रो सिटी में हमारा घर है न्यू मेट्रो सिटी में हमारा प्लाजा है न्यू मेट्रो सिटी में हमारी इन्वेस्टमेंट है इसलिए मैं आप सबको बहन बहनों को रिकमेंड करूँगा आप फेक रूमर्स का ना सुने आप फुली ट्रस्ट करें न्यू मेट्रो सिटी ब्रांड को और उसके अलावा स्पेशल स्पेशल रमान भाई को कि ये भी आपको अच्छा सा गाइड करेंगे और लास्टली मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो पैशली हमारे ओवरसीज़ हैं मैंने काफ़ी इशू सुने हैं ये नहीं कि मैं हर किसी के लिए बोल सकता हूँ कि भी उनके जो पीछे जो आपके जो आपकी मैंने फैमिलीज़ हैं फ्रेंड्स हैं उनको मिस किया जाता है यहाँ से उनको क्या किया जाता है कि भी वो वहाँ से कुछ पेमेंटें भेजते हैं आगे पेमेंटें वगैरह जमा नहीं होती फिर वहाँ उनका मसला बन जाता है मेट्रो वालों के साथ उनको झूठ बताया जाता है जा आपकी पे पेमेंटें जमा हो गई हैं फिर यहाँ पर आके उनको पता लगता है यार वाकई के पेमेंटें नहीं थी जमा हुई वह असल में झूठ बोल रहे थे इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि भी आपने हर वक्त अपनी फैमिली के थ्रू या आपके किसी जाने वाले के थ्रू आपने इन्वेस्ट करना है आप डायरेक्टली न्यू मेट्रो सिटी में आप रहमान भाई के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके डायरेक्टली इनके अकाउंट में या बीएसएम के अकाउंट में या जैसे ही आपको गाइड करेंगे वहाँ पे आप इनको पेमेंटें भेज के तो अपनी अपनी जो यहाँ पे जो आपने चीज़ परचेस करनी है उसको उसकी कर सकते हैं क्योंकि आपको भी पता है मैं भी बता हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं हम आ, के हमे, हमें हमें स्पेशली ओवरसीज को मिस यूज़ किया जाता है स्पेशली हमारे विद ऑन विद इन हमारे जो अपने करीबी जो होते हैं वो ऐसे क्या करते हैं कि भाई आगे यहाँ पे चीज़ आके पचास लाख के ले के तो जो असल वो जो चीज़ सत्तर लाख की मिसाल मिसालें दे रहा हूँ जो सत्तर लाख वाली चीज़ है आपको बताया जाए कि भाई नवा इलाके लिए ली है उन्होंने सत्तर जमा कराना है तो उसने बीस अपने जमे में रखने हैं इस तरह का के बहुत सारे इशूज़ मुझे सुनने को मिले हैं इस वजह से भी बहुत सारी नेगेटिविटी आई हुई है इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप डायरेक्टली इनसे डील करें ये आपको डायरेक्टली आपकी जो पेमेंट होगी उसकी इन वोइस वाला आपको दिखाई जाएगी और उसके अलावा आपका जो प्लॉट्स होगा जो आपकी फ़ाइल होगी उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी होगी उसके ऊपर आपको स्पेशल सीरियल नंबर होगा आप उसको डबली कन्फर्म कर सकते हैं न्यू मेट्रोसिटी हेड ऑफ़िस के साथ वाकई ये मेरे नाम के फाइल है या नहीं है अच्छा कदीर भाई थैंक यू सो मच कदीर भाई एक 150 मिलियन uh, पाकिस्तानी रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट लेके न्यू मार्केट गुजर खान में आ चुके हैं और ये हंड्रेड परसेंट सेटिसफाइड है क्यों कदीर भाई आपसेंट थैंक यू अच्छा जी आप जितने भी ओवर सील्स क्लाइंट्स हमें देख रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कदीर भाई ने भी जब हमने यहाँ परचेजिंग की तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी हम्बल सी कि इस टाइम मार्केट में बहुत खूबसूरत टाइम है परचेजिंग का तो होता क्या है कि इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत कम रियल्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं जनवन तो अब जैसे न्यू मार्शी गुजर खान है चार से पाँच दफ्तर इस टाइम काम कर रहे हैं आज एक अंकल मेरे पास आए उनको मैंने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी विजिट करवाई लेकिन उन्होंने उस प्रॉपर्टी को लेके एक दो बंदों से और डिस्कस किया तो वो बंदे उनको मिस गाइड करना शुरू हो गए कि अंकल आप हमसे लें हम आपको बेहतर डील दिलवा देंगे अब इसमें होता क्या है कि वो बंदे रावल पंडी इस्लामाबाद के हैं उनको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर पता नहीं है तो वो सिर्फ अपने कुछ पैसों के चक्कर में अंकल को जो है मिस गाइड कर देंगे तो कदीर भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने उनको बताया था कि देखें आप बिज़नेस मैन हैं आपको एक चीज़ की वैल्यू पता है तो मैंने इनको एक चीज़ बताई कि इस चीज़ की ये वैल्यू है अगर आप इस पर एग्री करते हैं तो हम इसके ऊपर डील करते हैं तो कदीर भाई ने एक दो बंदों से डिस्कस कर दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का भी हमने सामना किया तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें हमारे साथ आप कंटेक्ट करें हम आपको ऑन ग्राउंड चीज़ विज़िट करवाएँगे अभी रिसेंटली भी कुछ एक दो एग्जाम्पल्स ऐसी आई हैं कि जहाँ पे बेसमेंट वाले प्लाट्स हैं अब मैप पे तो आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे बेसमेंट बननी है या नहीं बननी है ऑल दो कि बेसमेंट का एक अपना क्लाइंट है एक बंदा वो जिसने बेसमेंट बनानी है उसके लिए वो प्लॉट हंड्रेड परफेक्ट है एक बंदा जिसने नहीं बनानी है उसके लिए वो प्लॉट जो है ना वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है तो कोशिश किया करें कि राइट इन्वेस्टमेंट किया करें अब देखें अब मेरे मेरे पास एक बंदे ने किया रब यार मेरा यहाँ पे मैं प्लॉट लेना चाह रहा हूँ मैंने कहा अंकल ये बेसमेंट वाला प्लॉट है तो उन्होंने कहा मुझे तो ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे बेसमेंट बन गया मैंने कहा आप इसको छोड़ दें यहाँ पे जो बेसमेंट बनाना चाह रहा है ये उसके लिए परफेक्ट है आपके लिए परफेक्ट नहीं है उन्होंने फिर अपनी प्रॉपर्टी मूव कर ली अब इस तरह के छोटे छोटे इशूज़ होते हैं मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको विजिट करें विजिट करने के बाद आप सेटिस्फाई होंगे हम कदीर भाई का व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के ऊपर मैंशन कर रहे हैं आपको किसी किस्म की भी क्यूरीज चाहिए हो करनी हो तो आप कदीर भाई के साथ भी कर सकते हैं मेरा नंबर भी ऑन स्क्रीन मौजूद है आप जिस टाइम भी चाहे रबता कर सकते हैं अपना मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें और इन श्ला तला न्यू मार्फ्टी गुजर खान आपको अगले साल दो हज़ार पच्चीस में एक नया और उभरता हुआ शहर नज़र आएगा इसी उम्मीद के साथ आप जहाँ भी रहेंगे हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे इसी तरह एक और खूबसूरत सी वीडियो में कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़